नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली ब्रिटिश महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय नहीं रही। वो सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं 14 अन्य देशों की भी महारानी थी। ये सभी देश कभी न कभी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहे थे। ब्रिटिश रानी एलिजाबेथ द्वितीय एक संवैधानिक रानी थी। वे यूनाइटेड किंगडम की हेड ऑफ स्टेट यानी राज्य प्रमुख थी। अब उनकी जगह लेने वाले चार्ल्स भी इसी तरह प्रतीकात्मक राजा होंगे, ठीक भारत के राष्ट्रपति की तरह। लेकिन दोनों के बीच एक बड़ा अंतर है। भारत के राष्ट्रपति को देश के लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी कि सांसद और विधायक चुनते हैं। वही राज्यशाही होने की वजह से ब्रिटेन के राजा या रानी शाही वंश से ही बनते हैं। आमतौर पर राजा या रानी की सबसे बड़ी संतान ही उनके बाद शाही गद्दी पर बैठती है। यही वजह है कि लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भारत एक गणतंत्र है और ब्रिटेन एक राजशाही है। भारत के राज्य प्रमुख यानी राष्ट्रपति और ब्रिटेन के राजा या रानी में एक बड़ी समानता है। दोनों के पद और रुतबा प्रतीकात्मक है जो परंपरा और रीति रिवाज पर आधारित है। 96 साल की महारानी ने स्कॉटलैंड में अंतिम सांसें ली। एलिजाबेथ द्वितीय 3 बार भारत आई है। जानकारी के लिए बता दें कि 1961, 1983 और 1957 में वे भारत भी शाही मेहमान बनी थी। आज हम उन यादों को फिर से फ्रेम कर रहे हैं, तो चलिए उन चुनिंदा 10 तस्वीरों से होकर गुजरते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।